खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। लोगों को नहीं मिल पा रहा आधार कार्ड पर राशन। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। लॉकडाउन 3.0 खत्म होने को है, लॉकडाउन 4 आने वाला है। सभी लोग कोरोना की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार का आदेश है सबको राशन मिले, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है ये खबर हम आपको दिखाएंगे। किस तरह लोग राशन के लिए परेशान हैं। मेरठ में राशन की कालाबाजारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार ने सख्त आदेशों के बावजूद लोगों को राशन कार्ड ना होने के कारण राशन नहीं मिल पा रहा था, और सरकार ने आदेश जारी किया है कि उनको आधार कार्ड पर भी राशन दिया जाए, लेकिन राशन एजेंसीज के मालिक सरकार के इन आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं और अपनी मर्जी से राशन दे रहे हैं। जहां एक यूनिट पर 5 किलो राशन मिलने का प्रावधान है, तो वहीं मात्र 3 किलो राशन देकर बाकी राशन की क्या किया जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश प्रदेश के तमाम जिलाधिकारियों को दिए हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाए, और आधार कार्ड भी है तो उस पर भी राशन दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री का यह आदेश मेरठ में बिल्कुल फेल साबित होते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जिला पूर्ति अधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारी इस तरफ से आंखें मूंदे बैठे हैं। मेरठ के नोडल अधिकारी के पास भी कोई कार्यवाही राशन एजेंसी के मालिकों से नहीं कर रहे। जब इस बात का पता हमको चला, तो रियलिटी चेक करने के लिए हम मेरठ कंकरखेड़ा लाला मोहम्मदपुर गांव पहुंचे, जहां पर हमने देखा कि लोगों को जो शिकायत थी वे बिल्कुल सही थी। गांव के एक युवती ज्योति ठाकुर ने अपने गांव के लोगों को राशन दिलाने के लिए तमाम आला अधिकारियों के यहां काफी चक्कर लगाए, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। और गरीब लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ रहा है इस वक्त भी, वर्तमान समय में भी। ज्योति ठाकुर लगातार 10 दिन से जिला पूर्ति अधिकारी से लेकर नगर निगम, सीडीओ, मेरठ के नोडल अधिकारी, एडीएम फाइनेंस, सभी से मिल चुकी और लोगों की समस्या बताई गई, लेकिन रोजाना सिर्फ उनको मिलता है तो दिलासा सिर्फ दिलासा, लेकिन गरीबों को राशन नहीं मिला। ज्योति ठाकुर की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें सूचना मिली तो हमने रियलिटी चेक की, जिसमें सच्चाई सामने आई। देखिए वो सच्चाई क्या है। लोगों को 5 किलो की जगह 3 किलो ही राशन दिया जा रहा है, और आधार कार्ड वालों को तो राशन दिया ही नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को मेरठ के आला अधिकारी नहीं मानते, और वे राशन एजेंसी के लोगों को राशन भी नहीं दिलवा रहे। हमने लोगों के अलावा एजेंसी वालों से भी बात किया, ये देखिए कि क्या कहना है जनता का और क्या कहना है एजेंसी चालकों का। मेरठ मित्र से नवीद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है? मुश्ताक जी। मुश्ताक जी, यहाँ पे कितनी देर से खड़े हो लाइन में? मुझे 1 घंटा हो गया। आप लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं? हम तो लाइन से खड़े हुए। कितना राशन मिल रहा है आज एजेंसी पे? मतलब ऐसा जी, हमारे जो 6 मेंबर है तो मिलेगा 15 किलो मिलेगा, और 1 किलो वो बता रहे चना, चने का 1 किलो चना, और 6 मेंबर पे तो कितना हुआ? 15 मेंबर नहीं है, 6 मेंबर है ना। हाँ, तो कितना राशन मिलेगा इन्हें पता हो? ऐसे कितना मिलेगा ये देंगे, देंगे जो भी देंगे। तुमने कितना बता रहे हो पहले, कितना बता रहा? मैं तो ये सुन रहा कि मतलब 15 किलो मिल रहा, और पता ये पता नहीं कि कितना आदमी को कितना मिल रहा। 1 किलो चना मिल रहा और 15 किलो या मतलब जैसे भी मेंबर है उस हिसाब से अनाज मिल रहा। यानी कि एक यूनिट पे एक किलो चना, एक कार्ड पे 1 किलो चना है? हाँ, 1 किलो, एक किलो चना है। क्या नाम है आपका? अश्वनी। अश्वनी, यहाँ पर कितने गाँव को राशन दिया जा रहा है और कितनी एजेंसी है? यहाँ पे सर मेहमदपुर और दायमपुर को राशन मिलता है। आज जो यहाँ पे अगर बात करूँ, कितना राशन बांट रहे हैं इसमें, जिस तरीके से बताया जा रहा है चने और कुछ चावल वगैरह? एक यूनिट पे 5 किलो चावल है,
एक कार्ड पे एक किलो चना है। एक कार्ड पे एक किलो चना जी, एक पे 5 किलो चावल। हाँ जी, टोटल कितने लोगों को अब तक सुबह से राशन यहाँ बट चुका है? सर वो तो चल रहा है, वो तो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जिस तरीके से सरकार ऊपर से आदेश कर रही है कि जिनके राशन कार्ड भी नहीं बने हुए हैं और उनके आधार कार्ड पर या उनको ऐसे ही राशन दे दिया जाए, तो उस पर आपका यहाँ पर कितना वो चल रहा है? सर मुझे अभी प्रोवाइड नहीं हुआ आधार कार्ड पे, मुझे अभी कोई भी राशन प्रोवाइड नहीं हुआ। जो भी है राशन कार्ड पे मेरे को प्रोवाइड हो रहा है, राशन कार्ड पे ही मैं दे रहा हूँ। अच्छा, और जिस तरीके से DSO कहना कि आधार कार्ड पे मिल रहा, तो आपके यहाँ पे आधार कार्ड से अभी हमें नहीं मिला सर। ऊपर से आपको आदेश नहीं मिले? अभी आए नहीं, मुझे माल ही नहीं मिला। आधार कार्ड पे आएगा तो मैं आधार कार्ड पे भी दूंगा। नहीं, आधार कार्ड पे माल नहीं, मगर आपके पास आदेश है इस तरीके कुछ के आधार कार्ड पे आपको माल बांटना है? सर जब तक मुझे सामान प्रोवाइड नहीं हुआ। सामान के लिए आपको आदेश है या नहीं, आप ये बताओ सर। आदेश बताओ आप। आदेश सिर्फ राशन कार्ड पे ही है जी। आधार कार्ड पे कोई आदेश नहीं आपके? आधार कार्ड पे भी कोई मेरे पास कोई आदेश नहीं आया। मुनीर जी, क्या बताया जा रहा है आपके आधार कार्ड से राशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो किसी अधिकारी से शिकायत आपने की कि जिस तरीके से सरकार लगातार आदेश? नहीं, हमें कोई मिला ही ना उससे पहले। कितना आपको अभी इससे पहले राशन लिया आपने? नहीं, अभी आपको नहीं मिला? नहीं। क्या बोलते हैं एजेंसी वाले? एजेंसी वाले बोले हम कहाँ से दें जो तुम्हारा आ रहा नहीं। ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला अभी। और आपका राशन कार्ड है? मेरा है ही नहीं राशन कार्ड। आधार कार्ड है? आधार कार्ड आपने दिखाया? नहीं नहीं दिखाया। नहीं, इन्होंने मना कर दिया जब मैं पिछले महीने बोल के गई। अच्छा, आधार कार्ड पर राशन नहीं दे रहे? हाँ। एक मिनट पर 5 किलो। और चना कितना दे रहे हैं? 1 किलो एक कार्ड पर। एक कार्ड पे। अच्छा, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है उनके लिए, कोई ऐसा कुछ सुविधा नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो भेंडे को जितने यूनिट का माल मिलता है उन्हीं को बांटते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आता है यूनिट के हिसाब से। आधार कार्ड वाले ऐसा हमें हैं, वो हमारे वो अलग, उनकी संस्था अलग, हमारे पास आपके पास नहीं है उनकी? नहीं, पैसे से मैंने बेकार पैसा नहीं हुआ। मेरा नाम ज्योति ठाकुर है। ज्योति जी, क्या परेशानी है? एक्चुअली ये कॉलोनी मेरे घर के पास ही है, बादीपुरा है ये मेरठ में। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी वो लोग हैं जो मतलब घरों में काम करते हैं या ई रिक्शा चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं। इनमें से कम 50 फैमिली ऐसी थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। मैंने उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी करवाई, सारी लिस्ट जो भी प्रोवाइड चाहिए थी नगर निगम को सारी सबमिट करी। इवन मैं नगर के ऑफिस 5 times विजिट कर चुकी हूँ। जो ADM है अपने प्रजापति जी, उनके पास मैं 10 times प्लस कॉल कर चुकी हूँ। जो भी फॉर्मेलिटीज थी सब कुछ करने के बाद भी आज लॉकडाउन को 50 दिन हो गए हैं, बट इनके पास एक भी दाना नहीं आया है। अभी क्या कह रहे हैं राशन वाले, जिनके पास जाते हैं आधार कार्ड लेके, तो क्या बोलते हैं? सर वो तो ठीक से बात तक नहीं करते, इनको डांट के भगा देते हैं। आधार कार्ड क्या, इनकी सारी जो जो पेपर्स चाहिए थे मतलब राशन कार्ड बनवाने के लिए, वो सारे पेपर्स मैं जमा कर चुकी हूँ नगर आयुक्त के ऑफिस में, उसके बावजूद इनको नहीं मिला है। 1000 रुपये बोला गया था कि 1000 रुपये दिए जाएगा सरकार की तरफ से, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज करवा चुके हैं इनकी, लेकिन उसके बावजूद इनको एक भी रुपया नहीं मिला है। ये सब लोग मिलके DM ऑफिस जाने वाले थे। मैंने इन्हें बोला कि भाई लॉकडाउन है, आप लोग ऐसे मत जाओ, थोड़ा सा समय दो, हो सकता है तुम लोग की मदद हो जाए, बट नहीं हो पाई है किसी भी तरह की कोई भी मदद। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की, या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।